अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बड़ा वाला स्वागत है माय किचन माय डिश में, और मैं हूं शगुफ्ता। आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी रेसिपी, जो कि अपने आप में एक पूरा खाना है और इससे पूरा एक टाइम का खाना भरपूर खाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी और देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें डालनी है। मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसमें डालूंगी मैं 2 कप मैदा। 2 कप मैदा से मतलब 400 ग्राम मैदा। 400 ग्राम मैदा लिया मैंने और इसमें डालेंगे आधा कप दही, घर की जमाई हुई ताज़ी दही, खट्टी दही नहीं डालनी है। और बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे, हमने वेकफील्ड का बेकिंग पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया। आप ना चाहें तो ना डालें बेकिंग पाउडर। और यह है बेकिंग सोडा, जो कि 1 पिंच है, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। नमक आधा चम्मच ले लेंगे, अगर आपको नमक नहीं चाहिए तो ना डालें, कम चाहिए तो कम डालें। 2 टेबल स्पून शक्कर, शक्कर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करें, चाहे तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। पूरा अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक इसे मिक्स करना है। इसके बाद हम इसे गूंधेंगे दूध से। मैंने ले लिया है 1/4 कप दूध, हल्का गुनगुना गर्म है, और इस दूध से हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस मैदे को गूंध लेंगे। आप आधा मैदा और आधा आटा ले सकते हैं या पूरा आटा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। और इस दूध को थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैं इसके अंदर पूरा दूध यूज़ कर लूँगी। तेल आ गया, दही आ गई, सबका मॉइस्चर आ गया, तो इतना दूध काफ़ी है। अभी देखिए आटा अच्छी तरीके से गूंद लिया है। इसमें थोड़ा सा नीचे ऑयल लगाएंगे और फिर से इसे अच्छी तरीके से पंच करेंगे। ये आटा पंच करते हुए बहुत अच्छी तरीके से गूंदा जा चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा और ऑयल लगा देंगे और इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। ढक कर रखेंगे और ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो। ढक दिया इसे, आधे घंटे के बाद बीच बीच में उसे फिर से पंच करेंगे। अब इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने 150 ग्राम चिकन लिया है, उसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून दही, नमक स्वादानुसार, हल्दी 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, पिंच ऑफ फूड कलर, रेड ऑरेंज कलर, अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो ये ऑप्शनल है, आप ना डालें, और धनिया 1/4 टीस्पून, जीरा 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, सारे मसाले पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च अगर आपको कम चाहिए तो कम डालें। थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली, उसे ऐसे हाथों के बीच में क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल डाल दिया मैंने, अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे चिकन में। चिकन के पीसेस का कोई इशू नहीं है, बड़े छोटे कैसे भी पीसेस ले सकते हैं। आधा नींबू इसमें निचोड़ देंगे, नींबू से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इस टिक्के का। टिक्के की जो तरीके से ही बनाएंगे हम इसे, लेकिन पीसेस के साइज का कुछ इशू नहीं है, छोटे बड़े कैसे भी पीस ले सकते हैं आप। और इससे मसाला मिक्स हो गया, अब इसे भी हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट में वो मसाला बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। तो ये 10 मिनट कंप्लीट हो गए, मैरिनेट हो गया। मैंने ले लिया अपना ग्रिल पैन, और ग्रिल पैन में डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल, 1 चाय के चम्मच जितना ऑयल भी काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में भी ऑयल डाला है और इस रेसिपी के अंदर चिकन में ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हैं। तो बस ये ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं चिकन के पीसेस को इसमें रख दूंगी। पूरे पैन में एक ही साइज में, एक के ऊपर एक नहीं डालना है, एक लेयर में डालना है सारे चिकन को, इस तरीके से। सारे पीसेस को इसमें डाल दिया, थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं जरा पकने के बाद, 1 मिनट के बाद, और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे और आंच को लो कर देंगे। आंच को लो करने से चिकन बहुत अच्छी गल जाती है। 10 मिनट कंप्लीट हुए, चिकन अच्छी खासी पक चुकी है एक साइड से, पानी भी उसका उसके अंदर ही जज्ब हो गया है, और सारे पीसेस को पलट देंगे एक बार। एक साइड से पक चुकी है, अब दूसरी साइड से इसे पकने देंगे, और अभी फिर से इसे ढककर हम 10 मिनट तक पकाएंगे लो आंच के ऊपर।
सारे पीसेस को वन बाय वन पलटना है। ये ध्यान रखना है कि बराबर, बहुत ज़्यादा उसको चला चला के नहीं भूनना है। तो ये देखिए दोनों साइड से चिकन पक गई और मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और ग्रिल की खुशबू आ रही है, ग्रिल होने की खुशबू। तो अब इसे ठंडा होने के बाद मैंने इसे कटिंग बोर्ड के ऊपर ले लिया सारे पीसेस को, और इसे ऐसे कट करेंगे बड़े चॉपर से। चॉपर नाइफ है ये मेरा, इससे जोर जोर से स्ट्रोक मारेंगे तो ये ऐसे पीसेस कट जाएंगे। आप देखिए कितनी अच्छी वाइट वाइट अंदर से चिकन कट के निकल रही है, तो रेड एंड वाइट कलर उसका, और उसमें जो स्मोकी फ्लेवर है ग्रिल पैन का, वो सब मिलके बहुत ज़बरदस्त सी ये स्टफिंग तैयार हो गई है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। अगर आपको पसंद है तो आप कटी हुई प्याज वगैरह भी मिला सकते हैं, कुरकुरी प्याज मिला सकते हैं। तो वो स्टफिंग तैयार हो गई और इधर 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और ये आटा भी बहुत अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है। इस आटे को मैंने आधे घंटे के बाद एक बार फिर से पंच किया और वापस उसको ढक के रख दिया था। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैंने सूखा आटा डाला है और अब इस लोई को राउंड राउंड करेंगे, पूरी लोई को राउंड राउंड कर लेंगे। बड़ी सी लोई बन गई है ये, 400 ग्राम मैदे की। इसे हाथों से ऐसे फ्लैट करेंगे, ऐसे जरा फ्लैट करके, अलट पलट करके, उसे ऐसे ऐसे फोल्ड करके आटे को जब पूरा उसकी मरम्मत करते हैं तो वो बहुत अच्छा फर्मेंट हो जाता है और उसके नान बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसकी मरम्मत तो हो गई, मैंने इसे ऐसा बेलन के जैसा रोल कर दिया है। अब मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी, 4-5 पीस करूँगी मैं। ये 5 पीस हो गए, अब इनकी लोइयां बना दूंगी राउंड राउंड। तो आप देखिएगा हथेली के ऊपर कि ये कितनी बड़ी लोइयां हैं, मेरी हथेली के ऊपर देखिएगा। वेट वेट इसका करीब 40 ग्राम्स होगा एक लोई का। और ये देखिए इतनी अच्छी बन गई लोई, और सारे लोइयों को ऐसे ही हम राउंड राउंड बना लेंगे बराबर बराबर। ये सब काम जब आटे का बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो वो नान बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए लोइयां बहुत अच्छे से चिकनी चिकनी 5 लोइयां बन गई। इसे मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए और ढक दूंगी 10 मिनट के लिए, तो उससे लोइयां भी बहुत अच्छी सेट हो जाती हैं। तो ये देखिए लोइयां मेरी सेट हो गई, 10 मिनट कंप्लीट हो गए। अब एक लोई को लेंगे और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सूखा आटा डालेंगे और इसे बेलना स्टार्ट करेंगे और इसे स्क्वायर में बेलेंगे। मैं आपको दो तरीके के से इस नान को, स्टफ नान को रोल करना, मींस रोल करना और इसकी स्टफिंग करना, दो तरीके से बताऊंगी। तो आप गौर से देखिएगा, दोनों तरीके देखिएगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कीजिए, दोनों अच्छे लगे दोनों यूज़ कीजिए, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो दो तीन तरीके से फोल्ड करती हूँ इसे। तो ये देखिए स्क्वायर रोटी बेल दी गई, करीब 9 इंच की रोटी बेली गई है ये, 9 9 इंच का स्क्वायर बना है ये, 9 बाई 9 का। तो इसे हम एक साइड पे रखेंगे, हमने ले लिया है ये स्लाइस चीज़। अब इस जगह पे आप स्लाइस चीज़ ना यूज़ करना चाहे तो आप ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ को। चीज़ रख दिया, चीज़ के ऊपर मैंने ये स्टफिंग को फैला दिया अच्छे से, जेनरसली इसका स्टफिंग इसके ऊपर रखें। थोड़ी सी हरा धनिया ऊपर से डाल दिया, उसके ऊपर से फिर से थोड़ी स्टफिंग रखेंगे और ये बहुत अच्छा सा स्टफिंग हो गया। ये ध्यान रखें कि स्टफिंग सब तरफ इवन हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। अब ये स्टफिंग रख दी मैंने और एक नाइफ से इस तरीके से बीचों बीच से ये एक कट लगाएंगे ऐसे, और इसे ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके चारों तरफ से दबाकर इसका मुंह बंद कर देंगे, कहीं अगर खुला रह जाए वहां से स्टफिंग निकले तो वापस वहां से खोल के स्टफिंग को अंदर डाल के और फिर से उसे दबाकर उसका मुंह सील कर देंगे। जहां से भी खुला हो वहां से फिर से सील कर दें। इस तरीके से इसे सील कर दिया तो स्टफिंग जो है अंदर सील हो गई। कभी कभी कहीं से खुला रह जाता है तो वो अपने को मालूम पड़ जाता है कि किधर से खुला है। तो इसे इस तरीके से फोल्ड किया और इसे इस तरीके से, देखिए यहाँ से स्टफिंग निकल गई, तो यहाँ से खुला है, इसको वापस लगा के दबा दिया।
और चारों तरफ से इसको सील कर दें। स्टफिंग पूरी अच्छी तरीके से चारों तरफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं है ही नहीं। ऊपर से इसके लगाएंगे हरा धनिया के पत्ते कटे हुए बारीक, और इसे बेल कर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो अब ये 5 इंच के डायमीटर में बन गए हैं, डायमीटर नहीं 5 इंच बन रहे, 5 बाई 5, 5 बाई 5। तो ये मैंने बेल लिया, इसे साइड में रख देंगे। और एक दूसरा तरीका भी आपको फोल्ड करने का बताएंगे। देखिए कोतमीर उसके ऊपर बेलने से अच्छी तरीके से चिपक गई है, कोतमीर से मतलब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे राउंड बेलेंगे, ये दूसरी लोई ली मैंने और इसे दूसरे तरीके से बेलेंगे। इसे राउंड बेल लिया और ये चीज़ के स्लाइस को इसमें बीचों बीच में रख दिया और इसके ऊपर स्टफिंग रख दी। हरा धनिया या कुछ कुरकुरी प्याज आप डालना चाहें तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे इस तरीके से। ये भी फोल्ड बहुत अच्छा होता है और बड़ा अच्छा सा नान बनता है। तो ये दूसरी तरीके से स्टफ नान बन गया, इस पे भी हरा धनिया लगाएंगे और इसे भी बेलन की मदद से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और इसके शेप को सही करने में कोई कंजूसी ना करें, अपने हाथों का यूज करें और शेप को सही कर लें। कुछ टेंशन नहीं अगर हाथ से आप उसके साइज को उसके शेप को सही करते हैं। अब ये इसे पकाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो पैन को मैंने, मेरे ग्रिल पैन को गर्म कर दिया और उसके ऊपर मैंने इस एक नान को रख दिया है। ये चीज़ी स्टफ नान जो भी खाता है उसका एकदम फैन हो जाता है। बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन वो बहुत अच्छा टेस्टी होता है। देखिए एक साइड से ये सीख गया, मैंने मीडियम आंच के ऊपर सेका है, आप चाहे तो लो आंच के ऊपर सेकें। और इसे मैंने पलट दिया, इसके ऊपर ग्रिल की कितनी अच्छी डिज़ाइन लाइनें दिखाई दे रही हैं। दूसरी साइड से भी पलट के मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए दूसरी साइड भी ये बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। इसे क्रिस क्रॉस करने के लिए आप दोबारा से एक बार और पलट सकते हैं और उससे क्रिस क्रॉस डिज़ाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे नान सेक लिए हैं और ये देखिए इतने सॉफ्ट से नान बने हैं और फटाफट आराम से खुल रहे हैं, टूट रहे हैं। तोड़ने में कोई मेहनत नहीं लग रही है, कोई वो रबरी नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे नान। और इसके अंदर से जब मैंने तोड़ा तो उसमें से चीज़ ऐसे मेल्ट होके बाहर आती है जो देखने में बहुत अच्छी और टेम्पटिंग होती है। तो इस नान को ज़रूर बनाइएगा और जब बनाइएगा तो फोटोज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, अल्लाह हाफिज़।